हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मर्सिडीज फॉर्मेटिंग के लोअर आर्म बुश के बारे में। ये देखिए, बुश में प्ले हो गया है जिसकी वजह से हमारी कार लेफ्ट साइड से आवाज़ मारता है, इसी गैप के वजह से। ये गैप हो गया है, इसके वजह से आवाज़ मारती है। ये लोअर आर्म है, ये एयर सस्पेंशन है, ये सॉकअप है, ये अपर आर्म है जो कि बिल्कुल सही है। इसका बॉल जॉइंट है, स्टीयरिंग रॉड, ये भी सही है। ये रहा इसका एक्सल, जो भी सही है। ये इसका ब्रेक पैड है जो कि ख़त्म होने के कंडीशन में है, अभी इसको रिप्लेस करने वाले हम। ये रहा हमारा लिंकेज, लिंकेज भी सही है, बैलेंस रॉड बुश भी सही है। अभी हम राइट साइड का खोलने वाले हैं। ये रहा हमारा स्टीयरिंग रॉड, इसका हम लोगों ने बूट निकाल रखा है। इधर से ऑयल लीकेज हो रहा है, इसके लिए हम लोगों ने ऑयल टेस्टिंग के लिए इसका बूट निकाल रखा है। ये रहा इसका एयर सकअप्सर, ये बलून या अपर आर्म, और ये रहा लोअर आर्म। अब हम पावर स्टीयरिंग का लीकेज चेक करेंगे, देखते हैं कहाँ से लीकेज है। इसके वजह से हमारा पंप भी आवाज़ मार रहा है, हल्का हल्का ऑयल लीकेज होता है। इधर का भी ब्रेक पैड ख़त्म होने के कंडीशन में है। लोअर आर्म खोलने के लिए हमें ये एक्सल का नट खोलना पड़ता है, अपर आर्म का ये नट खोलना पड़ता है, और ये सॉकअप का बोल्ट खोलना पड़ता है। ये वाला इधर नट है, हमें कैलिपर भी खोलना पड़ता है। ये ज़रूरत नहीं, ये खोल लेंगे, उसके लिए हमें बैलेंस रॉड ये पूरा असेंबली बाहर निकालना पड़ता है, ये वाला। नहीं तो ये जो लोअर आर्म का ये बोल्ट है वो नहीं खुलेगा। और इधर भी दो बोल्ट है, एक ये है और एक ये है, जहां आप देख पा रहे हैं ये वाला है। फ्रेंड्स, ये है मर्सिडीज फॉर्मेटिक 350 GLA CDI। इसका हम लोग ये है इंजन कंपार्टमेंट, ये है इसका और स्टीयरिंग का कंटेनर जिसमें ऑयल कम होता है, हम लोग उसको भी देखने वाले हैं। और पावर स्टीयरिंग का काम कराएंगे और पंप भी रिमूव करेंगे। और ये रहा इसका डिस्क रोटर असेंबली, हम लोगों ने खोल के बाहर निकाल दिया। डिस्क रोटर है ये। ये रहा इसका बेरिंग, ये है इसका गुटखा, ये ले भी ये सब, ये सारे बुश सही है, ये बुश सही है लोअर आर्म का। ये काफ़ी हैवी वेट है, और ये बुश भी सही है। सिर्फ ये बुश एक साइड से बाहर आ गया है, ये बुश काफ़ी हैवी है, जैसे कि गाड़ी बहुत हैवी है। तो हम इसको देखने वाले हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है। ये तो ये रहा मर्सिडीज फॉर्मेटिक GLA 350 CDI। ये देख रहे हैं फ्रेंड, जहाँ तक थोड़ा थोड़ा ऑयल लीकेज है, हम ये ऑयल का भी करने वाले हैं। ये देख रहे हैं आप लीकेज है, आगे का फ्रंट डिफरेंसर है, इसमें दो डिफरेंसर आता है, फ्रंट और रियर।
एयर सकॉप्सर है, एयर बॉलूम दिया है इसमें, ये है इसका स्टैंड पॉइंट। हम यहाँ पे स्टैंड लगाते हैं। ये रहा फ्रंट लेफ्ट का, और ये रहा फ्रंट राइट का जैकिंग पॉइंट। डिस्क रोटर काफ़ी बड़ा आता है। यहाँ पे हम मेन जैक मार सकते हैं, मेन जैक हम यहीं पे मारते हैं इस जगह पे। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एसी कंप्रेसर, ये स्टेयरिंग के पाइप से हल्का हल्का ऑयल भी जा रहा है, तो हम इसको भी देखने वाले हैं। इसका बुक नया हम लोगों ने लगाया है, और डिफरेंसर का भी बोसिंग हम लोगों ने चेंज किया है, फिर भी थोड़ा थोड़ा आवाज़ है। अब हम लोग इसको क्लियर करने वाले हैं, आवाज़ किधर से है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक कार है, हम लोग इसको डायग्नोस करने वाले हैं क्या प्रॉब्लम क्या है, आवाज़ क्यों मार रहा है। बाकी ये तो लिंकेज बॉल्स बॉल जॉइंट, बाकी सब सही कंडीशन में है। सब हम लोग ने खोल के रखा है। नीचे एक कवर आता है, इंजन प्रोटेक्टिव कवर, उसको हम लोगों ने खोल दिया है। यहाँ से आप स्टेयरिंग का सेटअप भी कर सकते हैं, प्लेन नॉर्मल जो भी रहे। ये दो मेन पाइप रहता है और कुछ है नहीं, नॉर्मली है फ्रेंड्स, बाकी गाड़ियों की जैसा है। बस खोल फिटिंग ज़्यादा है इसमें, सेंसर्स वगैरह ज़्यादा दिए हैं, हमें ये संभाल के खोलना पड़ता है। सेंसर्स बहुत ज़्यादा देते हैं। बात करने वाले हम ये रहा ब्रेक पैड वी सेंसर, जो कि सिर्फ राइट साइड में ही आता है, लेफ्ट साइड में नहीं आता है। और ये रहा अपना एबीएस सेंसर, ये वाला फ्रेंड्स, काफ़ी वायरिंग रहते हैं। ये अपना बलून का है, ये अपना एडजस्टर है, हाइट एडजस्टर। ये रहा एक्सल, इसका एक्सल काफ़ी हैवी वेट रहता है, लॉरम भी हैवी वेट रहता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, मर्सिडीज़ GLA 350। हम वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा ज़्यादा जानकारी देना चाहते हैं। ये सावधानी से खोले, सस्पेंशन सावधानी से खोले इसका, और पहले ये सस्पेंशन मोड में डाल के ही जैक मारे तो बलून लीकेज होने का संभावना रहता है, इधर से लीकेज हो जाता है बलून। बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। और ये रहा इसका ऊपर का पाइप बलून का, इससे एयर अंदर जाता है। बाकी आप देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, हम जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपको नॉलेज देते रहेंगे, ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहे आप। थैंक यू सो मच।